अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मैथ की टीचर इस्मा नूर। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन का। आज के इस लेक्चर में हमने मल्टीप्लाई करना सीखना है कि किस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल का याद होना लाजमी है। जब तक आपको टेबल्स याद नहीं होंगे, आप सही से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आप टेबल्स याद करें, देन आप मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है पेज नंबर 73 से। 73 का आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नाउ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट को भी हम मल्टीप्लिकेशन ही कहते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा 365 मल्टीप्लाई बाय 4। 365 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। 4 5 20, 20 का हमने 0 नीचे लिखना है और 2 ऊपर कैरी देना है। स्टूडेंट, जब हमारे पास आंसर में 2 डिजिट्स वैल्यू आती हैं तो हमने राइट साइड वाली वैल्यू को नीचे आंसर में लिखना होता है और लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू पे कैरी देना होता है। 6 5 20, 0 नीचे, 2 ऊपर कैरी। 6 6 4 6 24, 24 में 2 ऐड किया। 26 26 का 6 नीचे लिखा, 2 ऊपर कैरी। 4 3 12, 12 में 2 ऐड किया, 14। आंसर क्या आया हमारा? 1 4 6 0। लास्ट पे जब हमारी 2 डिजिट वैल्यू आती है तो हम वो 2 डिजिट वैल्यू एज इट इज नीचे लिख देते हैं। आंसर है इसका 1 4 6 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 5 7 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 5 7 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। 3 7 21, 21 का 1 नीचे, 2 ऊपर कैरी। 3 5 15, 15 में 2 ऐड किया, क्या आता है? 17, 17 का 7 नीचे, 1 ऊपर कैरी। 3 4 12, 12 में 1 ऐड किया, 13। आंसर है इसका 1 3 7 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 5 4 6 मल्टीप्लाई बाय 2। 5 4 6 को मल्टीप्लाई करना है हमने 2 के साथ। 2 6 12, 12 का 2 नीचे, 1 ऊपर कैरी। 2 4 8, 8 में 1 ऐड किया, 9। 2 5 10, 10 हमारा एज इट इज नीचे आ जाएगा क्योंकि 9 नेक्स्ट कोई वैल्यू नहीं है हमारी, वो हम एज इट इज नीचे लिख देंगे। आंसर है इसका 1 0 9 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। 7 6 7 मल्टीप्लाई बाय 2। 7 6 7 को मल्टीप्लाई करना है हमें 2 के साथ। 2 7 14, 14 का 4 नीचे, 1 ऊपर कैरी। 2 6 12, प्लस 1 13, 13 का 3 नीचे, 1 ऊपर कैरी। 2 7 14, प्लस 1 15। आंसर क्या है हमारा? 1 5 3 4। नेक्स्ट है 8 0 8 मल्टीप्लाई बाय 5। 8 0 8 को मल्टीप्लाई करना है आपने 5 के साथ। 5 8 40, 40 का 0 नीचे, 4 ऊपर कैरी। 5 0 0, प्लस 4 4। जब हम 0 को किसी चीज़ के साथ किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, जो 0 होता है वो वैल्यू को 0 कर देता है, और जब हम उसमें कोई चीज़ ऐड करते हैं, कोई वैल्यू ऐड करते हैं, जो वैल्यू ऐड करते हैं वो एज इट इज़ लिखा जाती है। जैसे यहाँ पे है 5 0 0, 0 में 4 ऐड किया, 4 एज इट इज़ नीचे आ गया। 5 8 40, 40 आंसर क्या है? 4 0 4 0। नेक्स्ट है 4 8 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 4 8 5 को मल्टीप्लाई करना है आपने 5 के साथ। 5 5 20, 5 नीचे, 2 पर कैरी। 5 8 40, 40 में 2 प्लस किया, 42। 2 आंसर में, 4 नेक्स्ट पे कैरी। 5 4 20, 20 में 4 ऐड किया, 24। आंसर क्या है इसका? 2 4 2 5। तो स्टूडेंट्स, बाकी ये क्वेश्चंस आप ये लेक्चर सुनते हुए, इसको समझते हुए सॉल्व करेंगे। आपने सबसे पहले टेबल्स याद करने हैं,
उसको एक दफ़ा रिमाइंड करना है टेबल्स को, देन आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जैसे मैंने इसको मैं किया है लेक्चर में। होपफुली आपको लेक्चर समझ आएगी। आपने इस लेक्चर को अच्छे से रिव्यू करना है और इसको अच्छे से समझना है। इस लेक्चर का आपने क्विज भी सॉल्व करना है। आपको इस लेक्चर की अगर समझ ना आए या कोई सवाल हो तो आप वो भी कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। शुक्रिया।